शादियों का सीजन चल रहा है, इस बीच आप भी जिस शादी में जाना चाहते हैं उसका पैलेस तो जरूर ढूंढते हैं, पर जो जरूरी खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये खबर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक लड़के को खंभे के साथ बांध कर पीटा जा रहा है। आस पड़ोस के लोग उसे जो है वो बेरहमी से पीट रहे हैं और काफी ज्यादा जख्मी उसे कर दिया है। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि पुलिस उस व्यक्ति के पास आती है और पूरा मसला सुनती है और उसके बाद उसे वहां के स्थानीय लोगों से छुड़वाती है। अब दरअसल ये पूरा क्या मसला सामने आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। दरअसल आपको बता दिया जाए, शादी के एक समारोह में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति भी अपनी पूरी पार्टी के साथ पहुंच रहा था। पार्टी यानी कि जिस पक्ष से उसे बुलाया गया था उस पक्ष के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैरिज हॉल में पहुंच रहा था और इसी तरह 3-4 गाड़ियां एक साथ चल रही थी, पर अचानक उस व्यक्ति ने नशा किया था, शराब का नशा, जिसकी वजह से वो रास्ता भूल गया और रास्ता भूलने के बाद वो अलग रास्ते पर चला गया और इसी तरह नशे में उसे पता नहीं चला कि पैलेस कहाँ छूट गया है और वो किसी के घर में चला गया। घर में चलकर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो वहां के लोगों को लगा कि कोई चोर आ गया है और इसी मसले को लेकर जो है वो उसे वहां के स्थानीय लोगों ने खंभे के साथ पीट कर उसकी बेरहमी से पिटाई की और पिटाई करने के साथ ही उसे जख्मी भी कर दिया। इतनी देर में पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने पूरा मामला देखा सुना, उस व्यक्ति की स्टेटमेंट ली और उस व्यक्ति की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने बताया कि मैं किसी शादी समारोह में जाने वाला था, मैं चोर नहीं हूं। और उसके बाद पुलिस ने पूरा मसला सुनने के बाद उस लड़के को जो है वो शादी समारोह में जहां पे वो जाने वाला था उसके परिजनों के हैंडओवर उस लड़के को कर दिया। पर आप ये देखें कि किस तरह से फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर इस समय ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी उन्हीं स्थानीयों में से किसी एक व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। इस सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी के घर चोरी करने घुसा था, वहां के स्थानीयों को ये शक था, ये फिलहाल उनके एलिगेशन थे कि व्यक्ति चोरी करने आ सकता है, इसने बहुत ज्यादा नशा भी किया हुआ था जिस वजह से हम सबने इसे पकड़कर खंभे के साथ बांधकर बहुत ज्यादा मारा। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी, सच्चाई ये थी कि वो व्यक्ति शादी समारोह में जा रहा था, पूरी पार्टीज के साथ वो शादी समारोह से निकल रहा था, इतने में वो रास्ता भटक जाता है और वो दूसरे रास्ते पर उसकी गाड़ी चलने लग पड़ती है और वो दूसरे रास्ते पर चलने लग पड़ता है। वो अकेला होने के साथ उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो सोचता है कि यहाँ पर स्थानीय किसी का घर है, उस घर को नॉक करता है, पर नॉक करने के बाद जो है वो वहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे चोर समझकर बुरी तरह से पीटने लगते हैं। अब दरअसल सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो हर कोई इस पर अपनी अपनी टिप्पणी को भी रख रहा है। कोई कह रहा है कि उतनी ही पीनी चाहिए जितनी आप पचा सकें, कोई इसको लेकर कह रहा है कि आप लोग जो हैं वो अगर किसी शादी समारोह में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो उसका एड्रेस कहाँ का है। कोई इस पर कुछ टिप्पणी कर रहा है और कोई कुछ टिप्पणी कर रहा है। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ये वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं अभी तक की जो कुछ जानकारियां आई हैं, जानकारियां आपके सामने थी। आगे की जानकारियों के लिए देखते रहे अगले टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।